हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की थॉट्स या इनकी फीलिंग्स आज की एनर्जी को लेकर क्या कहती हैं, तो लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। तो खुद को एक तरह के रिस्क एबिलिटी में आने के लिए प्रिपेयर करने वाली एनर्जी है ये। ये रिस्क किसी भी बात को लेकर हो सकता है, आपके सामने एक किसी सच्चाई को कहने को लेकर हो सकता है, इस रिलेशनशिप पर वर्क करने को लेकर हो सकता है। इनकी लाइफ का अगर कोई ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो उस डिसीजन को लेना हो सकता है। कि बहुत टाइम से अगर आपके ये जो पर्सन हैं किन्हीं चीज़ों में स्टक बने हुए थे, कि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर हो सकता है एक कार्मिक सिचुएशन में स्टक रहे होंगे, या फिर अपने ही किन्हीं फियर्स डाउट्स एक तरह के सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस में, बाउंड्रीज में खुद को बनाकर रखा करते थे। तो आज के एनर्जीज के चलते हो सकता है कुछ एक ऐसी मोटिवेशन या फिर एक ऐसी जील मैं कह सकती हूँ, एक खुशी जहाँ पर मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सब कुछ पॉसिबल लग रहा होता है। इवन दो अगर फोरफ्रंट पर उस तरह से चीज़ें शो भी ना हो रही हों, तो तब भी हमारी जो गट फीलिंग है, जो हमारा इंट्यूशन है, वो हमें इस तरह से सपोर्ट कर रहा होता है कि यस इट इज़ पॉसिबल, यस वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, ये हमारे लिए बहुत सही डायरेक्शन है। तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन बने हुए हैं, इन्हें सब कुछ सही लग रहा है। और इट टॉक्स अबाउट द फूल एनर्जी। और जब भी कभी फूल की एनर्जी अपीयर होती है गाइस, इट टॉक्स अबाउट द चाइल्ड लाइक बिहेवियर, चाइल्ड लाइक एटीट्यूड, जहाँ पर बच्चा किसी भी बंधनों में नहीं होता, वो हर एक बंधन से रिलीज्ड होता है। उसे पहले तो बंधन पता ही नहीं होता है ना, तो वो एक खुद में लिमिटलेस पर्सनालिटी को बना पाना। आपके पर्सन शायद ऐसी ही एक स्पिरिट में है जहाँ पर इनकी जो स्पिरिट है वो बैगेज फ्री है, टेंशन फ्री है, किसी भी बंधनों में बिल्कुल भी फंसी हुई नहीं है, हर एक बंधन से आज़ाद है, यू नो। तो यस, आपके पर्सन अब तक भी इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड मानते थे, या आपके सामने ये जो भी कहना चाहते हैं वो कहने को लेकर खुद को रिस्ट्रिक्टेड बना कर ये रखा करते थे। लेकिन आज की एनर्जीज के चलते दे आर बिकमिंग दैट पर्सन जो इन्हें मतलब खुद पर विश्वास हो रहा है, और मे बी दे आर लिसनिंग टू देयर हार्ट। एंड जब भी कोई इंसान अपने दिल की सुनकर कोई एक्शन लेता है तो वो एक्शन इनके लिए खुशी देता है ना। तो शायद आपके पर्सन अभी इस बात को समझ पा रहे होंगे कि दिल की सुन लेनी चाहिए, क्योंकि दिल ही की बात सुनने से हमें अल्टीमेटली वो खुशी मिलती है, वो सीरेनिटी, वो प्रॉस्पेरिटी हम देख पाते हैं। अगर हम हर बार माइंड की सुनते हैं, लोगों की सुनते हैं, जहाँ पर हमारा दिल कुछ और कह रहा होता है, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती किन्हीं लोगों के डिसीजन हमारे ऊपर इम्पोज कर लेते हैं और हम वैसे ही मैनर में एक्ट करने लगते हैं, तो ऐसे सारे पैटर्न से अभी आपके पर्सन हो सकता है बहुत कुछ सीख चुके हैं। अगर आपके पर्सन ऐसे ही थे, अगर इनकी फैमिली का इन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था गाइस, और इनकी फैमिली हमेशा इन्हें रोका करती थी, तो अब ये अपनी फैमिली की बात नहीं सुनेंगे, अपने उन सारे लोगों की बात नहीं सुनेंगे जो इन्हें किन्हीं चीज़ों के करने से रोका करते थे, अपनी विशेस को पूरा करने से रोका करते थे, अपनी डिज़ायर्स को सुनने से रोका करते थे। तो यस, दे आर कमिंग इनटू द लीप ऑफ फेथ एनर्जी आज के चलते। तो ऑन द अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस वाली बनी हुई है। इट सेज दैट पावरफुल साइकिक इंसाइट्स, रिफ्लेक्शन and meditation that provides valuable information be at peace। तो इस पर्सन को लेकर बहुत सारी बातों को लेकर
आप एक इंट्यूशन सेंस कर रहे होंगे। ये पर्सन या तो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, यहाँ पर हल्की सी वाइब इवन कार्मिक्स की भी हो सकती है, बट दिस पर्सन इज हैप्पी। अगर ये कार्मिक भी हैं आपके, तो ये पर्सन इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, दे आर हैप्पी फॉर दिस कनेक्शन। बट यहाँ पर आपने हो सकता है बहुत सारी बातों को इंट्यूशन पर छोड़ दिया है। मे बी यू गाइज आर मेडिटेटिंग अ लॉट नाउ डेज, या फिर अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो आप अपनी एनर्जीज को गॉड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। यू आर जस्ट सीकिंग दोज आंसर्स, यू आर जस्ट रिसीविंग दोज डाउनलोड्स। अगर इस समय आपको ऐसे ही कोई सपने आ रहे हैं गाइज, तो हो सकता है उन सपनों के चलते आपको कुछ साइंस मिलेंगे, कुछ डाउनलोड्स, कुछ हिंट्स, कुछ क्लूज ज़रूर आपको मिल सकते हैं, जहाँ पर आप पूरा पिक्चर अच्छे से समझ पाओगे कि वाई इट इज़ हैपनिंग। बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ना कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे, तो इनकी री एंट्री हुई है यहाँ पर, या पोर्टल होने वाली है, और इस बात की खबर आपको पहले से ही थी कि हो ना हो दिस पर्सन विल कम बैक, या फिर दिस पर्सन इज कमिंग बैक, आपको ये पता था। और उसी के अकॉर्डिंग शायद आपने खुद को इस तरह से प्रिपेयर कर लिया होगा कि अब जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आप यहाँ पर कैसा एक्शन रखना चाहते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने खुद से ही पूछे होंगे, या मेडिटेशंस के थ्रू आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन पता है। बहुत सारे लोग एक आकाशिक रिकॉर्ड को भी रिट्रीव करते होंगे, यू नो, हर बार अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप आकाशिक रिकॉर्ड से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने की कोशिश करते हो, और वहाँ से बहुत सारे इवेंट्स को आप प्लान करते होंगे। ये उन लोगों की बातें हैं जो स्पिरिचुअल लेवल्स पर एक वो मकाम हासिल कर चुके हैं, पोजीशन अचीव कर चुके हैं, जहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को करना बहुत अच्छे से जानते हो। मेडिटेशंस पर जिस किसी का भी कंट्रोल आ गया, तो दैट पर्सन विल सी द वंडर्स इन द लाइफ। और मेडिटेशन हर एक से नहीं हो पाता गाइस, वो स्टेट अचीव करना या फिर अपने आप को टेलीपैथिक वेज में चैनल कर पाना, ये सबके बस की बात नहीं है। आपका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हाई होना पड़ता है, जहाँ पर हम इवन थर्ड आई चक्रा की भी बात कर सकते हैं। जिस इंसान का भी थर्ड आई चक्रा एक एक्टिव मोड में है, वो पर्सन ज़रूर मेडिटेशनल एनर्जीज में चैनल इस तरह से कर सकता है, वहाँ से बहुत सारे डाउनलोड्स आपको रिसीव होते हैं, और वही डाउनलोड्स आपके लिए आपकी लाइफ में हर एक स्टेप पर काम आते हैं। कि आप उसके बाद तो कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होती है, इंट्यूशन आ चुका होता है कि ये जो स्टेप है यही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। तो आप बहुत सारी चीज़ों को करने से रोकते हो, या फिर अगर कुछ गलत कर भी लिया है आपने, तो आप जल्द से उन सारी चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करते हो। तो इस पर्सन से रिलेटेड भी आपके पास ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन है, और आप शायद वेट में बने हुए होंगे यहाँ पर। यू आर जस्ट एट पीस, यू आर नॉट वरीड, या फिर आपको किसी भी तरह की कोई घबराहट नहीं है, किसी तरह की कोई फियर्स नहीं है इस पर्सन को लेकर या इस सिचुएशन को लेकर। सम वे यू गाइज नो द आंसर कि यस, ये ऐसा ही चलेगा, ये ऐसा ही है, और ये यहाँ पर ही प्रोसीड हो रहा है, ये जो कनेक्शन है इतना आपको पता है। तो फाइनली इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स द नाइन ऑफ एरियल एनर्जीज। योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, लव फॉर द ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ। तो ये एक अचीवमेंट का कार्ड है, या तो आपके पर्सन यहाँ पर कुछ अचीव करने की मैनिफेस्टेशंस में बने हुए हैं, एंड अकॉर्डिंगली ये एक एफर्ट रखेंगे यहाँ पर। कोई भी इंसान जब मैनिफेस्टेशंस पर बना होता है, तो वो एक भूख में होता है, और अगर वो भूख मिट गई, अगर वो भूख सप्रेस हो गई ना, तो फिर मैनिफेस्टेशंस के पावर्स भी जो है ना, वो भी सप्रेस हो जाते हैं। तो आपके पर्सन के अंदर ये एक जील है, एक पैशन है, एक मोटिवेशन है, जो एक फूल की एनर्जी में बने हुए हैं। दे रियली डोंट नो हाउ इट विल गोना हैपन, बट इट विल हैपन। ये एक भरोसा कह सकते हैं हम, एक फेथ, किसी को तो लीप ऑफ फेथ कहेंगे, कि एक ऐसा रिस्क, एक ऐसी भूख में चैनल होना, जहाँ पर एक्चुअल में नहीं पता कि
ये होगा कि नहीं, लेकिन हाँ भूख इतनी है कि हम उसको अचीव कर लेंगे, मतलब उसकी तरफ बढ़ेंगे, फाइंड आउट करके ही रहेंगे, हारेंगे नहीं, काइंड ऑफ थिंग। तो वही पैशन मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ये आप लोगों के लिए भी मैं कह सकती हूँ कि आपके भी लाइफ में कुछ ऐसे गोल्स होंगे, ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिसको भी आप शिद्दत से चाह रहे हो, भले इस पर्सन के साथ वो गोल्स हो सकते हैं या फिर जनरल लेवल पर भी आपके कोई गोल्स हो सकते हैं। तो इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए शायद बहुत ज़रूरी थी। अगर इस पर्सन ने कम बैक किया है आपकी लाइफ में, तो ज़रूर इन्होंने काफ़ी सारे वेज में आपको मोटिवेशन दी है। और अगर ये नहीं होते तो आप अपने लाइफ की उस ट्रुथ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कभी। आपने जब उस लाइफ की रियलिटी को समझने की कोशिश की है, जाना है आपने कि ये सच्चाई थी मेरी ज़िंदगी की, तो अब आपने भी अपने गोल सेट किए होंगे। और मैंने आपसे बताया भी कि आप डायरेक्टली यूनिवर्स से वो मैसेजेस डाउनलोड करते हो, तो आपका एक स्पिरिचुअल का लेवल ही अलग है। तो आप खुद ब खुद चैनल हो रहे होंगे यहाँ पर, जहाँ पर भी आपको बढ़ाया जा रहा है। इट्स नॉट यू, इट्स गॉड एंड यूनिवर्सिस प्लान, यू नो, जहाँ पर आपको बढ़ाया जा रहा है, एंड यू आर जस्ट इवेंचुअली प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन ओनली। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स का साइन आपके लिए क्लैरिटी वाला है। तो जैसे कि मैंने कहा, क्लैरिटी आप ऑलरेडी देख चुके हो या फिर बहुत जल्द वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। वो पर्पस समझ में आएगा, जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, इसका पर्पस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सब कुछ। इवन अगर डेस्टिनेशन को भी लेकर क्लैरिटी नहीं थी, तो जस्ट फोकस कीजिए। आप जिस भी एनर्जी में बने हुए हो, वो बहुत ही सही एनर्जी है। उस एनर्जी में बने रहकर आप बहुत कुछ यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हो, एक क्लैरिटी में आ सकते हो। एंड यहाँ पर 2 कैन बी द सिग्निफिकेंट नंबर, आइदर लाइक विद इन 2 वीक्स, 2 मंथ्स, एंड अगर बहुत अर्जेंटली ये एनर्जीज प्रोसीड हो रही हैं तो 2 डेज भी हो सकता है। 2 दिनों में आपको बहुत सारी रियलिटी यहाँ पर क्लियर होने वाली है। कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, फोर फ्रंट पर आएंगी। बहुत सारे जो अभी क्वेश्चंस आपके माइंड में बने हुए हैं, वाई, व्हेन, हाउ, ये सारी चीज़ें, बहुत ही ब्यूटिफुली आपको क्लैरिटी दे जाएंगी। बट इवेंचुअली यू गाइज आर गोइंग टू बी एट पीस। वो हैप्पीनेस, वो एक ब्यूटिफुल सक्सेस आप लोगों की लाइफ में रिस्टोर होने वाला है। वो एक फ्रूविशन आप इवेंचुअली यहाँ पर देख सकेंगे। तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए चैनल हो रही हैं, आपके और आपके पर्सन के लिए गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की करंट थाट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।